अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। सपा का सियासी कुनबा हुआ और व्यापक, पार्टी में शामिल हुए तमाम दिग्गज नेता, समानता दल के महामंत्री सपा में हुए शामिल, सैकड़ों की संख्या में सपाई बने दिग्गज नेता, अखिलेश यादव बोले हमारी ताकत और बढ़ी, 2022 में सत्ता कब्जाने का लिया सभी ने संकल्प। उत्तर प्रदेश की मुख्य विपक्षी दल समाजवादी पार्टी लगातार 2022 के लिए सियासी रणनीति बना रही है और सियासी रणनीति के साथ ही पार्टी लगातार मजबूती भी हासिल कर रही है। पार्टी में विपक्षी दलों के नेताओं का आगमन लगातार जारी है जिससे पार्टी का वोट बैंक भी बढ़ रहा है। अब सपा में सैकड़ों की संख्या में नेताओं ने एंट्री ली है जिससे सपा के कार्यकर्ताओं में जोश दिखाई दे रहा है। पार्टी के मुख्य प्रवक्ता राजेंद्र चौधरी की माने तो तमाम दिग्गज नेताओं के साथ उनके समर्थकों ने पार्टी की सदस्यता ली है जिसमें समानता दल के राष्ट्रीय महामंत्री कुमार सिद्धार्थ भी शामिल हैं। आपको बता दें कि पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की मौजूदगी में वाराणसी सेंट्रल बार एसोसिएशन के अध्यक्ष प्रेम शंकर पांडे भी सपा में शामिल हुए। उन्होंने समाजवादी पार्टी की नीतियों और अखिलेश यादव के नेतृत्व के प्रति अपनी आस्था जताई और 2022 के चुनावों में अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री बनाने का दावा किया। इस मौके पर अखिलेश यादव ने सभी का पार्टी में स्वागत करते हुए कहा कि जो हालात मौजूदा वक्त में बन रहे हैं उनको सुधारने के लिए हमें मेहनत करनी होगी और जो लोग सत्ता के दंभ में अन्याय कर रहे हैं उससे आवाम को छुटकारा दिलवाना होगा। अखिलेश यादव ने इस मौके पर कहा कि सब लोग मिलकर समाजवादी पार्टी की मजबूती के लिए काम करेंगे और गांव-गांव घर-घर पार्टी की नीतियों और कार्यक्रमों को पहुंचाएंगे ताकि आवाम को भी पता चल सके कि कौन उसके साथ है और कौन उससे दूर। अखिलेश यादव ने इस मौके पर कहा कि मौजूदा सरकार से हर वर्ग के लोग परेशान हैं, क्राइम का ग्राफ बढ़ रहा है, किसान सड़कों पर हैं, महिलाएं असुरक्षित हैं, लेकिन सरकार की जुमलेबाजी का सिलसिला लगातार जारी है। अखिलेश यादव ने कहा कि हमारे साथ शामिल होने वाले साथियों से मेरा यही अनुरोध है कि समाजवादी विचारधारा पर चलते हुए हमें प्रदेश की तरक्की की बात करनी है और प्रदेश के आवाम जो निराशा से घिरती जा रही है उसे आशा की किरण दिखानी है। साथ ही अखिलेश यादव ने कहा कि आने वाले वक्त में हमें बेहतर रणनीति के साथ जमीन पर उतरना है और पार्टी की नीतियों को जन जन तक पहुंचाना है ताकि आवाम को हम पर भरोसा हो सके और हम उसके साथ हैं। प्रदेश के किसानों के हालात पर चिंता जाहिर करते हुए अखिलेश यादव ने कहा कि किसान परेशान हैं, बेमौत मर रहे हैं, लेकिन सरकार सिर्फ झूठे दावों के सहारे किसानों को अपना बनाने की कोशिश कर रही है जबकि हकीकत ये है कि किसान को सरकार 2000 में नीलाम कर रही है और किसान की आवाज को दबाने का काम किया जा रहा है। अखिलेश यादव ने और भी कई मुद्दों पर चिंता जाहिर की और साफ तौर पर कहा कि अब वक्त आ गया है कि हम परेशान आवाम को इंसाफ दिलवाएं और बीजेपी के अत्याचार का हिसाब चुकता करें। ब्यूरो रिपोर्ट, मीडिया हलचल।